बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम आपको चुंटों वाला बाजू बनाना बताएंगे। ये मैंने पहले बनाया था ट्रोज़र, इसी लैस का हम बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। हमारा बाजू है 21.5 इंच। हमने 1 इंच छोड़कर इसका डिजाइन बनाना है। लंबाई हमने ली है, डबल किया है 10 इंच, और इसको हम हाथ से चुनर डालेंगे। इस तरह से हम आगे हाथ से चुनर डालेंगे सारे बाजू पे, और उसके ऊपर हम ये जो सुराख वाली नेट वाली लैस है वो लगाएंगे। ये वाला हिस्सा हम लगाएंगे। इसको मैं अलहदा कर लेती हूँ। इस तरह से हम ये डिजाइन अलहदा कर लेते हैं। इस तरह से ये सारे डालेंगे, आसानी से हमारे प्लेयर्स डाल जाएंगे। अब इस पर हम ये लैस लगाएंगे। ये मैं अब लैस लगा लूँ। ये लैस मैंने लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से चुंटों को सीधा रख लेंगे। लैस से आगे 7 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। अब हम इस लैस को इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे।
इस तरह से ये हल्की हल्की चुनट रख के हमने ये सिलाई लगा ली है। इसे डबल लगा लेंगे। ये देखिए ये लगा लिए। अब इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब हम इसके आगे कफ बनाएंगे, वो मैं कमीज की साइड का पीस लूंगी, ये वाला पीस लूंगी ताकि ये नुमाया होगा। हमने तकरीबन 1.5 इंच कफ बनाना है। ये 5 इंच मैंने चौड़ाई में लिया और कफ के बराबर का मैंने लंबाई में ले लिया। अब मैंने इस तरह से 2 इंच होल्ड कर लिया है। होल्ड करके हमारे पास 2 इंच का ये कफ रह जाएगा। ये मैंने इसे भी अंदर कर लिया। अब हम इसे इस तरह से लैस के साथ साथ ये लगाना है। पहले हम इस तरह लगा लें। ये सिलाई पे सिलाई आएगी। ये मैंने मुकम्मल कर ली है सिलाई को। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे लैस के साथ साथ लगाएंगे। ये फालतू कपड़ा उतार लेते हैं और इस तरह से हमने ये साइड की सिलाई लगानी है। जितना आपका आसानी से बाजू आ जाए उतना रखना है। यहाँ डबल कर लेना। सिलाई लगाकर इस्त्री से प्रेस कर लिया। देखिए कितनी प्यारी शेप आई है। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। कितना प्यारा नाइस लग रहा है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। अल्लाह हाफिज।